कहला जाकी राज दुलारी। ताली बजाई की बोले जहां खाई के लिए थोड़ी दे राम ने तर तर की मांगे भी राजा की राज दुलारी। दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रही है आप बाजी बाजी भीख डालते थे बाजी बाजी थोड़ी सी डाल रही कोई कटोरा भर के डालते थे और बाजी बाजी क्या कह रही है कोई भिक्षा तगावे कोई गाली बहुत सुनावे कोई भिक्षा तगावे कोई खूब सुनावे अरे जाई कोई सिखाई रईसी खरा जाती कोई भिक्षा डाल रही है कोई गाड़ी दे रही है कैसी मतबारी भैया सो घटा के संग घूम रही है और बाजी बाजी सीख सिखा रही है और बाजी बाजी का कह रही परीक्षित महाराज तो ले चलू बहना घर को और राख ले उनके बर को बाजी बाजी कह रही बहन यो देवर कुआर हो तेरो काम बने को भी करा जाती बोलिए आनंद कंद भगवान की। बाजी बाजी भीख डाल देते बाजी बाजी गारी दे रही है बाजी बाजी कह रही चल मैं घर चल मैं देवर कुआर हो देवर के लिए राख लूंगी सुनते सबकी है पर मुंह से कुछ कहती नहीं है
भीख मांगत खात भी चंत जा रही है आगे आगे। काशी नगर में पहुंची है कमला गधा को संग लेके। जहां काशराज महाराज की पलटन काम कर रही थी, मैं पलटन में शामिल है गई। सिर पे रख करके पला मिट्टी डालती है। जितनी पलटन काम कर रही थी अपो काम छोड़ रहे हैं, कमला की ओर देख रहे हैं। जिक है कैसी पागल है, जाए इतनो हो सुनाए। अपई तो चांद तोरे ले रही है मट्टी डाल डाल के पला धर के। और जब बजन जा गधा की पीठ पर धर ले तो जब मजदूरी ज्यादा ना मिल जाएगी। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कमला चुपचाप सुनती है, कहती किसी से कुछ नहीं है। काशराज महाराज पर सूचना पहुंच गई, महाराज एक ऐसी लड़की आई है अब की बार पलटन में, गधा संग है। बाके खाली पला लेके जाते तबू गधा संग है, और भरो पला सिर पर धर के मट्टी लेके जा रही तबू गधा संग है। काशराज महाराज विचार कर रहे, ऐसा तो है ही ना सके कि लड़की अपाई आप मजूरी करे भी आई हो, कोई ना कोई परेशानी होगी। महाराज खुद आए और जो कई लड़की ए बेटा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। लली एक बात कह दूं, सोई पला धंधो कहो महाराज। क्या कहना चाहते हैं, ये गधा जब तते जाते हैं बाहर के पला धर के चांद पे, तब संग जातो है। और वो तते आ रही तब वो संग है, जबकि पीठ पे वजन क्यों ना रखी रही। तब कई महाराज पूछ रहे हो, तो ये गधा मेरा पति है। पति है मतलब ये मेरे घर पे बरना बन करके आए थे, और मेरी आंख के सामने आंगन में गधा है। काशराज महाराज ने विचार किया, अगर ये मनुष्य से गधा बना है तो फिर गधा से मनुष्य बन सके। बेटा अब तू मजदूरी मत करना, चल मेरे संग। दरबार में लेके आए, महामंत्री से कहा काशी में जितने विद्वान पंडित हैं सब इकट्ठा किया जाए। अरे बुलावा लग गया, काशी के पंडा इकट्ठे रहे। लंबी लंबी पत्र फैला के बैठ गए। काशराज महाराज ने कहा, ये देखो ज्योतिष से गणित काट करके बताओ, अगर ये मनुष्य से गधा हो गया है तो गधा से मनुष्य कैसे है। लंबी लंबी पत्रा फैलाए बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान गणित लगाए हुए बैठे हैं। गणित काटते काटते खोपड़ी घूम गई, सबने निष्कर्ष निकाल करके बताया, महाराज अगर जा गधा के ऊपर 100 पतिव्रता स्त्रियां अपने अपने पतियों की आन लगा करके लोटा चढ़ा दें तो ये पुनः मनुष्य हो जाएगा। काशराज महाराज ने सूचना लगवाई है, पूरे नगर में जो भी मेरे नगर में पतिव्रता रहती हैं सब जा गधा के ऊपर लोटा चढ़ाए। महाराज का आदेश है।